हुआ, ये देखो कैसे चूस रहा है गाइस, ये देखो कितने सारे बच्चे हैं। ओए छोडू क्या मुझे। सो गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, और आई होप से सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और थोड़ी धूप जाने लगी है और सुबह से बारिश ही बारिश हुई जा रही थी, बहुत गंदा मौसम हो रहा था। और बाकी कल तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाया बारिश के चक्कर में, तो आज मौका मिला है तो अभी फटाफट, बारिश बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है। तो गाइस मैं अभी फटाफट निकलता हूं। एक भैया है मेरे सरदार जी, उनके जानने वालों के पास अमेरिकन गुली के बच्चे हुए हैं, तो वो कह रहे थे हमारा तुम शाम को आ जाना, मैं तुम्हें पप्पी आराम से दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को 2-3 जगह है, एक रामपुर साइड पे कोई फ्रेंड है उसे पप्पी चाहिए और एक यहाँ पे बरेली में किसी को पप्पी चाहिए, तो मैं उनके यहाँ पे वीडियो वगैरह बना लेता हूँ और वो अपने फ्रेंड्स को भी भेज देता हूँ, अगर अच्छे हुए तो वो लोग ले लेंगे। बाकी मैं चलता हूँ। और मुझे गाइस पप्पीज देखना बहुत पसंद है, मैंने सुल्तान को छोटे से बड़ा होते हुए देखा और मुझे हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि काश अभी भी छोटा होता सुल्तान कितने अच्छा लगता। तो गाइस अभी बिना किसी देरी के मैं वहां पे जाता हूँ, ऑलरेडी शाम हो चुकी है और मुझे जिम भी जाना है, थोड़ा खाना वाना मैंने खा लिया है और अभी फटाफट मैं वहां पे चलता हूँ, पप्पीज से मिलता हूँ बढ़िया करके, और उनके पास 1-2 डॉग शायद से और है उनसे भी मिलता हूँ, और फिर गाइस जिम चलते हैं। और जिम का मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बिगनिंग में कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ। अभी देखो अभी से थोड़ा सा ये उठने लग गया डोला, बाकी अभी फटाफट भैया के पास चलते हैं फिर जिम चलते हैं। तो भाई राघव आ गया है, इसके साथ चलूंगा, जिम भी चलना है और पप्पी देखने भी चलना है, पहले पप्पी देखने चलते हैं फिर इसके साथ जिम चलते हैं। भाई ये देखो इतने से कमरे का कितना बढ़िया यूज कर रखा है, यहाँ से आते ये कमरा है पूरा यूज कितना बढ़िया कर रखा है। अभी भैया तो आए नहीं, हम लोग अंदर बैठे हैं, पर चले वो फीमेल डॉग आए जिसके बच्चे हुए, वो आते ही काट ले सीधा एकदम से, डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। भाई इतने सारे हैं अब, ना 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 भैया मैं ऊपर नहीं आऊंगा, एक देखो चाओ चाओ भैया ऊपर आ गए। भाई कोई खोला ना हो तो, एक तो भैया के हाथ में एक बुल्ली है यहाँ पे, वो अंदर बांध दी है वो। ये रहे बच्चे सारे, अरे वाह बड़े प्यारे हैं। तो ये कौन सा है, लासा एप्सो, ये सही है, ये सीधे रखते हैं। एक आपके पास वो भी था जो अंधा हुआ हुआ था, वो नीचे। अच्छा वो नीचे है, वो ये था। वो अंधा नहीं है, अंधा है वो। गाइस वो कह रहे हैं वो ब्लाइंड है, वो तो पूरा रिएक्ट कर रहा है इधर उधर हाथ करने पे, वो तो पूरा रिएक्ट कर रहा है जैसे हाथ इधर कर रहा हूँ। अच्छा गाइस पता ही नहीं लग रहा वो अंधा है, स्मेल पावर काफी तेज है उसकी। अच्छा गाइस बाकी देखो ये बच्चे हुए हुए एक ईयर, अरे 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 ये तो, अरे अरे ये कहाँ से निकल रही है, इधर उधर से निकल रही है मेरी टांगों के बीच में से। गाइस बाहर चल के आपको बच्चे दिखवाते हैं, कितने सारे हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, 8 पपीज हुए गाइस टोटल। भाई ये देखो मेरी उंगली चूसने में लगा हुआ है, ये देखो कैसे चूस रहा है। इधर रखता हूँ गाइस आपको दिखाता हूँ कैसे है ये, इसकी मार्किंग भी अच्छी है मेरे ख्याल से। हाँ इसकी मार्किंग भी अच्छी है, इसकी भी गाइस बहुत अच्छी मार्किंग है, टीका देखो इसका, ऐसी मार्किंग से पता लगता है। अब ये देखो ये पूरा ब्लू है लेकिन इसके टीका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा बढ़िया बच्चा निकलेगा आगे जाके, इसका यहाँ पे मार्क है और इसका टीका बहुत बढ़िया है। इसमें कितने मेल है कितने फीमेल है, 3 मेल है बाकी फीमेल। अच्छा 3 मेल है 5 फीमेल है, तो मेल कौन कौन से, तो ये मेल हो गया आपका, एक व्हाइट कलर का, एक ये मेल है। अरे बड़ी पहचान है आपको इतने छोटे से, कितने हो गए 7 हो गए ना, 8 है ना, हाँ 8 है गाइस पूरे बच्चे। गाइस ये देखो कितने सारे बच्चे हैं, वैसे आप निकालोगे ना सेल करोगे ना, ठीक है मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी बच्चे देखो आपके सामने कितने प्यारे, सब ब्लू है इसमें। इसकी गाइस अभी मदर भी दिखाऊंगा, वो बांध के भैया निकालेंगे क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूंगा। ये देखो इसकी ब्लू है, आंखें नहीं खोल रही थी, और कितने प्यारा लग रहा है इसको। भाई देखो अभी अंदर रख के आता हूँ, इधर रख देते हैं ये। गाइस ऐसी मजे लगते हैं, ड्यूक जब था ना मेरा जो पिटबुल था वो भी इतना ही सही लाया था मैं, इससे भी छोटा लाया था, 19 डेज का लाया था मैं, इसी स्टेज में बहुत प्यारे लगते हैं ये रेंगते हुए, बाकी बड़े हो गए तो परेशान करने लग जाते हैं सबके सब। गाइस अभी मेरे को बहुत डर लग रहा है, भैया उसकी मदर ला रहे हैं, बांध के लाना भैया बांध के। आ गई बंधी हुई है, बंधी हुई है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना डॉग भी फ्रेंडली कहता हूँ, कभी कभार वो भी काट देता है लोगों को। इसको क्या है मेरे से दिक्कत हो रही है कैसे, इसका नाम क्या था आपने बताया, कोको। अरे वाह कोको अपने जर्मन शेफर्ड का भी तो नाम था, जर्मन शेफर्ड का नाम गाइस कोको मेरे जर्मन शेफर्ड का भी नाम था, काफी कॉमन नेम है कोको। कोको कोको हैवी है गाइस, पूरी है फीमेल, मतलब पिटबुल जितनी हाइट की है ये अमेरिकन बुली। इसका साइज क्या होगा, ये है आपका पॉकेट, पॉकेट साइज की, पॉकेट साइज की है भाई ये। अच्छा सब इसी के ऊपर गए हैं, इसका फादर भी इसी कलर का था। अच्छा सेम कलर का है, अच्छा फादर इधर ही है, अच्छा वो इम्पोर्ट लाइन का है इसका फादर, वो कनाडा से इम्पोर्ट हुआ है। अच्छा तो गाइस फिर बढ़िया बच्चे होंगे, आगे जाके हैवी निकलेंगे इसके जैसे। अच्छी लग रही है इसकी एयर क्रॉपिंग भी अच्छी हुई है। कोको कोको भाई अभी इसका मिल्क पिलाने का टाइम हो गया, तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। अरे कोको गाइस ये चाओ चाओ ये ब्लाइंड है, भैया बता रहे हैं स्पेलिंग पावर इसकी बहुत तेज है, ये स्मेल करके गाइस पता लगाया था, हम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे क्यों। हाँ भाई बिल्कुल ही, हम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये ब्लाइंड है कि नहीं, क्योंकि मैं इधर उधर हाथ कर रहा था ना तुरंत पहचान लेता रहा था। देखो शायद से अभी भी शायद से नहीं, अभी नहीं कर रहा है, उस समय गाइस तुरंत मैं इधर हाथ कर रहा हूँ तो इधर देख रहा है, इधर हाथ कर रहा हूँ तो उधर देख रहा है। बाकी इन्होंने ये अडॉप्ट करा हुआ है, ये ब्लाइंड था तो भैया ने अडॉप्ट कर लिया था ये। इसका नाम क्या है, जैक। जैक जैक
तो ये दोनों आंखों से ब्लाइंड है या एक आंख से? दोनों आंखों से ब्लाइंड, मतलब बिल्कुल टोटली। हाँ ऐसे दिखता नहीं है गाइस, पता लग गया मुझे, सूंघ के पता लगा रहा है कि हम लोग किधर हैं। चलो भैया फिर हम लोग चलते हैं। ओके ना ना कुछ नहीं चलते अभी, हम लोग अब सीधा जिम जाएंगे यहाँ से। हाँ अभी मैंने भी चालू कर दिया ना बॉडी पावर में तो रहने दिया, दूसरे जिम में जा रहा हूँ। तो भाई अभी जिम आ गए थे, फटाफट अंदर चलते हैं, आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। मिक्सिंग ही होगी अभी दो तीन दिन, मिक्सिंग वगैरह करते हैं फिर धीरे धीरे करके प्रॉपर वर्कआउट पे आएंगे। अभी तो आजकल तो मिक्सिंग ही चलेगी है। शोल्डर कर रहे थे और शोल्डर करके घर चल रहे हैं। थोड़े से फोर आर्म भी कर रहे थे, दिख जा ये देखो भाई फोर आर्म भी बिल्ड हो रहा है। अभी घर चलते हैं, घर चल के मैं अपनी डाइट वगैरह लेता हूँ। अभी प्रॉपर डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ ताकि वापस से जो वेट मेरा 18-19 केजी लूज हो गया था जो हाथ में चोट लगने की वजह से, वो वेट सारा रीगेन हो जाए। तो बाकी अभी फटाफट घर चल के डाइट वाइट लेता हूँ, रात को सुल्तान को टहलाने जाऊँगा और फिर गाइस हो सकता है मुझे रात में दिल्ली भी जाना पड़े किसी काम से, तो दिल्ली भी जाऊँगा। बाकी आज का वेदर चेक करूँ, आज का सबसे बढ़िया मौसम हो रहा है, ना तो धूप निकली है ना तो बारिश हो रही है, बिल्कुल बीच का मौसम है और ना बादल भी इतने ज़्यादा है, अंधेरा जाके हो जाए। चलो तो गाइस बाकी घर चलता हूँ। बाकी गाइस मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें अभी देहरादून वगैरह की साइड की थी या शायद से नैनीताल की थी, मतलब हिल स्टेशन की साइड की थी। तो उधर उत्तराखंड में क्या होता है, एक टाटा हैरियर होती है और जैसे वो पहाड़ वाली रोड नहीं होती जिगजैग वाली और नीचे खाई होती है, तो वैसी रोड पे टाटा हैरियर वगैरह पूरा जाम लगा हुआ था और गाइस एकदम से लैंडस्लाइड होता और ऊपर से बहुत मोटा पत्थर आता और वो हैरियर को लेके साथ में चला जाता, मतलब साथ में नहीं पत्थर हैरियर को कुचल के निकल जाता है और एक उसकी आगे एक और गाड़ी खड़ी होती है उसको भी कुचल के चला जाता है। तो बाकी गाइस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हिल स्टेशन वाले एरिया पे हो तो गाइस अवॉइड करो घर से ज्यादा निकलना, बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो तो वैसे ही निकलो वरना तो गाइस अवॉइड करो। अभी आप कितना सेफ रह लो कार में लेकिन बहुत रिस्क है, गाड़ियां पलट के खाई में गिर जाती हैं। तो बाकी गाइस और अगर कोई जा भी रहा हो हिल स्टेशन तो अभी मत जाओ, जब बारिश का ये लैंडस्लाइड का मौसम खत्म हो जाए तब चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइस इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस टेक केयर एंड गुड बाय।